All right, the breaking news coming in and a crackdown on PFI. In fact, this is in Gujarat, and illegal structures have been razed. Remember, the structures were linked to the PFI have been demolished, and illegal constructions have been bulldozed. The crackdown on the PFI in Gujarat, illegal structures have been razed. The structures were linked to the PFI. They've been demolished, and illegal constructions have been bulldozed. So illegal structures there are being demolished in Gujarat, and the structures are linked to PFI, and the illegal constructions have been bulldozed. This is another big crackdown on the PFI and in Gujarat. Those are the visuals that we are getting to you from Gujarat, where you can see those illegal constructions bulldozed and structures linked to the PFI. Raced. And going straight across to my colleague Amit, who is joining us on the broadcast for more. Amit, give us more details about these demolitions that are taking place in Gujarat. देखिए ये जो demolition है ये द्वारका के पास में आया इलाका जो है बेट द्वारका जिसे कहा जाता है बिल्कुल समुद्री इलाका है और वहां पर जो गैरकानूनी रूप से जो अवैध निर्माण किए गए थे उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि जो जानकारी मिली है कि कुछ वहां पे गलत तरीके से मजार बनाने की बात थी और वो भी सामने आई है और उसी लिए जो द्वारका का जो प्रशासन है उनके द्वारा स्थानीय पुलिस का प्रोटेक्शन लेकर ये पूरा डिमोलिशन किया गया है और सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि ये जो डिमोलिशन हुआ है इसके अंदर पीएफआई से जुड़े हुए लोग थे उनका कनेक्शन था और गुजरात एटीएस की तरफ से भी गुजरात में कुल 21 से ज्यादा लोग जो पीएफआई से जुड़े हुए थे उनको हिरासत में लिया गया था उनकी पूछताछ की गई थी एनआईए और एटीएस ने जॉइंट ऑपरेशन किया था तो ये जो कार्रवाई हुई है ये डिमोलिशन हुआ है ये इनलीगल कंस्ट्रक्शन को लेकर हुआ है और फिलहाल इस मामले में अभी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है लेकिन जो ये कार्यवाही हुई है कि गैर कानूनी रूप से ये चीजें बनाई गई थी और यही बातें जो मनपा के अधिकारी हैं वहां के नगर पालिका के उनकी तरफ से कही जा रही है और दूसरी बात कि कोई सामने नहीं आया लेकिन ये जो जानकारी मिली है कि इन लोगों के कनेक्शन जो थे वो पीएफआई के साथ थे जी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए